अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेक्चर है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। तो उसके लिए हमारे पास जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें गिवन डेटा चेक करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द कंबस्चन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज इट टू कंटेन 65.44% कार्बन, 5.50% हाइड्रोजन एंड 29.06% ऑक्सीजन। हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज दी हुई है, परसेंटेज कंपोजिशन जिसे हम कहते हैं। व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। नेक्स्ट चीज़, इफ़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज़ 110.15 ग्राम्स पर मोल। अगर हमारे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास 110.15 ग्राम्स है, तो हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट करेंगे। मींस हमने इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो चीज़ें बताई गई हैं। एक तो कंपाउंड के अंदर, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स की परसेंटेज बताई गई है। सेकेंडली, उस कंपाउंड का मोलर मास भी बताया गया है, क्योंकि मोलर मास को हमेशा ग्राम्स पर मोल के अंदर लिखते हैं। उसके बाद हमें दो चीज़ें कही गई हैं कि फाइंड आउट करनी है हमने। एक तो है एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो फर्स्टली हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम परसेंटेजेस ऑफ ईच एलिमेंट को उन्हीं एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, जिसके नतीजे में हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। मींस अगर हमने परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स से उन एलिमेंट्स का, उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने हर एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या फिर जिन्हें नंबर ऑफ मोल्स भी कहा जाता है, वो फाइंड आउट करने हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक फार्मूला लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम पहले स्टेप में कार्बन के लिए कैलकुलेशन करते हैं, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन। तो हम कैसे लिखते हैं, कार्बन की जो यहाँ पे परसेंटेज है, एक्चुअली ये कार्बन के अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज 65.44 ग्राम्स ऑफ कार्बन। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे कार्बन के मोलर मास से, जो कि है 12.00 ग्राम्स पर मोल। तो इस डिवीजन के नतीजे में हमारे पास आंसर आता है 5.45 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड के अंदर कार्बन के कितने मोल्स मौजूद हैं, 5.45 मोल्स या फिर 5.45 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड आउट करेंगे, और सेकंड एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास किसके इक्वल होंगे, जो हमें गिवन मास है हाइड्रोजन का हमारे पास, जिसे हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी कह रहे हैं, दैट इज़ 5.50 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया। तो हम इसे डिवाइड कर देंगे मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन से, जो कि है 1.008 ग्राम्स पर मोल। इस डिवीजन के नतीजे में हमारे पास आंसर आता है 5.45 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। मींस हमारे पास हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो आ जाते हैं 5.45। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम ऑक्सीजन के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को फाइंड आउट करेंगे। तो ऑक्सीजन के ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्वल होंगे, ऑब्वियसली गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन या फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम डिवाइड करेंगे ऑक्सीजन के मोलर मास के साथ, और परसेंटेज ऑक्सीजन की कितनी है, 29.06। तो हम इसे ग्राम्स में जब लिखते हैं, दिस बिकम्स
29.06 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, और हम इसे डिवाइड करेंगे ऑक्सीजन के मोलर मास से जो कि है 16 ग्राम्स पर मोल। आंसर आता है हमारे पास 1.82 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, मींस हमारे पास ऑक्सीजन के ग्राम एटम्स या ऑक्सीजन के मोल्स भी आ गए। अब हमने क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर मोल रेशो देखनी होती है सारे एलिमेंट्स की। पहले स्टेप में हमने तीनों एलिमेंट्स के मोल्स फाइंड आउट किए हैं, नंबर ऑफ मोल्स, या उन्हें नंबर ऑफ ग्राम एटम्स भी कहा जाता है। उसके लिए हमने एक फार्मूला लगाया, वो था गिवन मास बाय मोलर मास, और उसमें हमारे पास आंसर्स आ गए डिफरेंट। हमने क्या किया, मोल रेशियो जब हम लेते हैं तो हम कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स, रेशो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स, रेशो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स वैल्यूज़ पुट करते हैं। कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स हैं 5.45, हाइड्रोजन के भी नंबर ऑफ मोल्स सेम है 5.45, लेकिन ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम हैं, दिस इज़ 1.82। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम है, तो नंबर ऑफ मोल्स के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारे पास सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना होता है, डिवाइड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। हमने हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स को, जैसे कि हमें ऊपर दिए हुए हैं 5.45, 5.45, 1.82, इन सब को हमने बारी बारी इन तीनों को डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स से जो कि ऑक्सीजन के हैं, और वो कितने हैं, 1.82। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये डिवीजन करते हैं कार्बन के लिए भी। कार्बन के लिए ऑब्वियसली हम कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन, 5.45 डिवाइडेड बाय 1.82 रेशियो, 5.45 डिवाइडेड बाय 1.82 रेशियो, 1.82 डिवाइडेड बाय 1.82। तो इन डिवीजन्स के नतीजे में हमारे पास आंसर बनेगा 3:3:1। मीन्स पहली डिवीजन के नतीजे में भी हमारे पास आंसर 3 आता है, सेकंड डिवीजन में ऑब्वियसली न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वैल्यू सेम है तो आंसर सेम आएगा। फर्स्ट डिवीजन का आंसर भी 3 है, सेकंड डिवीजन का आंसर भी 3 है, और थर्ड डिवीजन का आंसर 1 है, क्योंकि न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास आंसर आ गया 3:3:1 किसके लिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए। मीन्स हमारे पास कार्बन के लिए 3 वैल्यू है, हाइड्रोजन के लिए भी 3 और ऑक्सीजन के लिए 1 आती है। अब हम ये देखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हम इसे लिखेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द रेशियो ऑफ। मीन्स यहाँ पे हमें पता चल गया है कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सिंपलेस्ट रेशो क्या है, होल नंबर रेशो, तो वो है 3:3:1। तो इसका मतलब है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो हमें कहाँ पे बताई जाती है, एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो थी ना, रेशो भी ली थी हमने नंबर ऑफ मोल्स की, सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले मोल्स लिए उसके बाद मोल रेशो ली, और है भी होल नंबर में। तो हम डायरेक्टली इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, कहाँ पे पुट करेंगे, ऑब्वियसली कार्बन के लिए वैल्यू 3 है तो कार्बन के साथ सबस्क्रिप्ट के अंदर 3 पुट कर देंगे। हाइड्रोजन के लिए वैल्यू 3 है तो हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में 3 लिख देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन के लिए 1 है तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास फाइनली ये क्या हुआ, ये हमारे पास उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला डेवलप हो गया जो कि बनाना चाह रहे थे, C3H3O। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमने फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने ये चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ाई थी कि हम एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला को। पहले स्टेप के अंदर हमें क्या करना होता है, एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करना होता है। तो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला ये है C3H3O, तो इसका हम मास कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखें, एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब कार्बन हमारे पास, कार्बन का मास होता है हमारे पास एटॉमिक मास 12, और 3 एटम है कार्बन के, इसका मतलब है कि हमारे पास 12 × 3 हो जाएगा क्योंकि 3 एटम्स हैं और हर एटम का मास 12 AMU है। अब हम इसमें प्लस करेंगे ऑक्सीजन के एक एटम का मास 1.008,
ऑक्सीजन के हर एटम का मास 1.008 होता है, लेकिन ऑक्सीजन के कितने एटम हैं हमारे पास? यहाँ पे 3 एटम मौजूद हैं, तो हम 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.008 करेंगे। उसी के साथ ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक मास 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम मौजूद है, तो हम 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन सब को, क्योंकि डिमास रूल में पहले मल्टीप्लीकेशन होती है उसके बाद एडिशन होता है, आप 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 1.008 को भी 3 से मल्टीप्लाई करें, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें। बता दिया कि क्यों आपने ऐसे करना है, दोबारा सुन लें एक दफ़ा। कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और कार्बन के 3 एटम हैं, तो 3 एटम्स के लिए मास कितना होगा 12 × 3, प्लस हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1.008, लेकिन हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं 3, तो इसे भी 1.008 भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है लेकिन उसका एटम एक ही है, इसलिए आप 16 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप जब इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे आपस में तो आपके पास आंसर आएगा, यहाँ से प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 55.05 ग्राम्स पर मोल। मींस आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला मास आ गया 55.05 ग्राम्स पर मोल। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? मोलर मास तो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन था, मोलर मास कंपाउंड का है 110.15 ग्राम्स पर मोल। अब आपने क्या करना है, आपने एक चीज़ प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी पढ़ी थी, वो ये कि आपके पास अगर कंपाउंड का मोलर मास भी हो और एम्पिरिकल फार्मूला मास भी हो, जैसे यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हमें दी गई हैं, ये मोलर मास यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे हमें एम्पिरिकल फार्मूला मास हमने कैलकुलेट कर लिया। जब ये दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद होंगी तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? हमने एक फार्मूला पढ़ा था एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय एन, तो वो एन क्या होता है? एक फार्मूला हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके इक्वल होता है? एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो एन क्या है? एन को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये दो चीज़ें चाहिए। एन क्या है? एन किसके इक्वल होता है? एक्चुअली मोलर मास ऑफ द कंपाउंड जो कि ये है हमारे पास गिवन है 110.15, उसके बाद हमने इसे डिवाइड करना है एम्पिरिकल फार्मूला मास से जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 55.05। तो हम क्या करते हैं, एन के लिए इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं, 110.15 डिवाइडेड बाय 55.05, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2। तो अब हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और मॉलिक्यूलर फार्मूला जब भी आप एम्पिरिकल फार्मूला से फाइंड आउट करते हैं तो ये फार्मूला लगता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला तो हमारे पास पहले ही आ गया है कैलकुलेशंस के नतीजे में, C3H3O और N की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की, वो ये है 2 आई है हमारे पास। हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं, 2 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला C3H3O, मल्टीप्लाई करें, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा, ये 3 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, मींस C भी 6 हो जाएगा, H भी 6 हो जाएगा, लेकिन O के साथ क्योंकि 1 है तो 1 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 रहेगा, हमारे पास आंसर आता है C6H6O। तो ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसका एम्पिरिकल फार्मूला हमने कंबस्चन एनालिसिस के ज़रिए फाइंड आउट किया और हमें परसेंटेज कंपोजिशन मिली कंबस्चन एनालिसिस के नतीजे में, और वहाँ से हमने परसेंटेज कंपोजिशन से पहले एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट किया। तो अब हम स्ट्रक्चरल फार्मूला की अगर बात करें तो C6H6O2 के लिए हमारे पास कई पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। ये कैसा मॉलिक्यूलर फार्मूला है कि इसके लिए कई स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, मीन्स इसके कई इसकी आइसोमेरिक फॉर्म्स हो सकती हैं। आइसोमेरिक फॉर्म से मुराद ये होता है कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। अल्लाह हाफिज़।